नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में जिसे सुनकर आप भी नतमस्तक हो जाएंगे। कहते हैं कि लड़की यानी स्त्री को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लोग कहते हैं कि स्त्री को बनाने वाला यानी भगवान भी स्त्री को आज तक नहीं समझ पाया और बहुत सी पहेलियाँ आज भी मौजूद है जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे संसार में स्त्री पहले आई थी या पुरुष, इस पहेली का जवाब किसी के पास भी नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने जब स्त्री की रचना की तो उन्होंने बहुत समय लिया और इसमें इतना समय लगाया कि देवदूत भी भगवान से सवाल जवाब करने लगे कि आखिर आपको सृष्टि की इस रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। कहते हैं कि भगवान ने जब स्त्री को बनाया तो उन्हें 6 दिन लगे थे और देवदूत उनसे प्रश्न करने लगे कि आपको इतना वक्त क्यों लगा। तो भगवान ने बहुत ही अच्छा और अनोखा कारण देवदूत को बताया। भगवान ने उत्तर दिया कि क्या तुम इसके गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहती है और खुद को संभाले रखती है, फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो ये सबको खुश रखती है, अपने परिवार और सब बच्चों को एक सा प्यार करती है। ये न केवल अपना ख्याल खुद रखती है बल्कि बीमार होने के बावजूद भी 18 घंटे काम करने की क्षमता रहती है। तो हुई ना ये गुणों से भरपूर। देवदूत ये सब सुनकर हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या ये सब केवल अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना है। ये सब सुनकर देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई रचना को जब हाथ लगाया तो उन्होंने कहा, प्रभु ये तो बहुत ही नाजुक है। तो भगवान ने हंसकर कहा कि हाँ, ये बाहर से नाजुक ज़रूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल है पर कमज़ोर नहीं। देवदूत इस रचना को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। वो उत्साह को लेकर ये पूछ बैठे कि प्रभु क्या ये सोच भी सकती है? तो प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकती है बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखती है। इसके बाद देवदूत ने जो किया उसे सुनकर आप भी भावुक होने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, ये इसके गालों पर पानी जैसा क्या है? भगवान ने कहा, ये आंसू है। तब देवदूत ने बहुत ही हैरान होकर पूछा, आंसू पर वो किस लिए? अब जरा इस पर भगवान ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। भगवान ने कहा कि जब भी कभी ये कमज़ोर पड़ने लगे तब ये अपनी सारी पीड़ा आंसू के साथ बहा देती है और फिर से मजबूत बन जाती है, अर्थात अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका है। भगवान ने कहा, यही इसकी ताकत है। देवदूत ने यह सब सुनकर कहा कि भगवान आप तो महान हैं, इसकी रचना को आप सब कुछ सोच समझ कर बनाया है। भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थितियों में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। वैसे इसके बाद देवदूत ने जब ये कहा कि भगवान आपकी रचना संपूर्ण है तो भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें कमी है और वो ये है कि ये अपना ही महत्व भूल जाती है कि ये कितनी खास है और इसमें क्या गुण है। ना कभी ये अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करती है और ना कभी ये किसी से बदले में कुछ चाहती है। कुछ और रिश्तों को निभाने के लिए ये बेटी औरों के घर को सजाने जाती है, अपनी महक से किसी और के घर को महकाती है। एक बेटी किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी बन जाती है।
ये एक लड़की ना जाने कितने रिश्तों में ढल जाती है। भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना की व्यथा को सुनने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, हर रूप में ये परिपूर्ण है। इसीलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को पहचानिए और उसका सम्मान कीजिए। हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल। शुक्रिया।